8 फरवरी साल 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे। महज 23 वर्ष के आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और साल 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी साल 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनकी गजलों ने न सिर्फ शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू करवाया। इनकी गजलों में मुख्य रूप से शामिल हैं चिट्ठी ना कोई संदेश, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए साल 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2014 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया।